तो स्टार्ट करो ताली मारना। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वेरी बडी मुनावर फारूकी। गुड इवनिंग कॉल कर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पेंडेमिक के बाहर इतने सारे केसेस है, आप फिर भी आए। मेरे पे भी बाहर इतने सारे केसेस हैं। सो एक साल हो गया कंप्लीट तबलीगी जमात को। क्या किसके फोन बज रहे? रिकॉर्ड किया ना तुम लोग ऐसे, इसको लग मेरे को फोन नहीं दिख रहा, वो लोग ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं और फ्लैश चालू है। लड़के लोग MMS बना रहे हो। यस सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, तो जो जोक होते हैं मेरे जोक या किसी के भी जोक मोस्टली फिक्शनल होते हैं। आप लोग सबको पता है राइट कि जो फिक्शनल होते हैं झूठ होते हैं, ठीक है। तो इस हफ्ते वेस्ट बंगाल में स्टेज पे खड़े रह के झूठ बोलने वाला मैं पहला गुजराती नहीं रहूँगा। So my name is Munawar Iqbal Farooqi. I was born and brought up in Gujarat, survived in Gujarat. ये joke मैंने एक साल पहले डाला था YouTube पे, तो सब लोग पागल हो गए। राइट विंग वाले बोले आउटरेज चालू हो गया, कैसे कैसे बोल दिया गुजरात कर। तो मैंने इसका सीक्वल जोक लिखा है। द सीक्वल जोक इज आई थिंक आई सर्वाइव्ड बिकॉज आई बिलीव गवर्नमेंट इज नॉट गुड इन कंप्लीटिंग द टारगेट्स। कितने लोग ऐसे हैं जैसे मैं जोक करता हूँ डार्क जोक्स सटायर पॉलिटिकल इस तरह के जोक करता हूँ, कितने लोग ऐसे जो वो सुन रहे हैं? आई हैव बैड न्यूज़ मेरा गांड फट गया भाई। मेरे को नहीं करना है। देखो जब तक ऑनलाइन हेट आ रहा था तब तक ठीक था, ऐसे कमेंट आ जाते थे यूट्यूब पे कि डॉक्यूमेंट्स ढूंढ डॉक्यूमेंट्स कटवे। फैंस भी है वो लोग रिप्लाई कर देते थे तमीज से भड़वे। तो ये ऑनलाइन हेट था वो तो ठीक था, मुझे कमेंट कुछ भी आते थे। एक कमेंट आया उसने लिखा आई एम स्केयर्ड टू कमेंट ऑन योर वीडियो। और मैं सोच रहा हूँ ये अक्षय कुमार मेरे वीडियो पे कॉमेंट क्यों कर रहा है, बट वो कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा भी लगा कि देश के बाहर के लोग भी मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये अक्षय कुमार पे जोक क्या था, आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अक्षय कुमार ये वो, नहीं आई लव अक्षय कुमार पहले से पसंद है, बट मुझे पहले ज्यादा पसंद था। कौन से टाइम पे पता है वो वाले भोली भाली लड़की खोल तेरे दिल की, वो गाना भी मेरा फेवरेट है, बट मुझे सिर्फ डांस नहीं पसंद क्योंकि वो गाने में डांस में स्टेप ऐसे है भोली भाली लड़की। नाज़लेक चाहे जितनी भी भोली हो ये तरीका गलत है। फिर लड़की का लाइन है नहीं नहीं अभी नहीं, हाँ ऐसे होता है, लेकिन लड़की का स्टेप पता है क्या है? नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं पिया, ये रिफ्यूजल है, ये दावत है। तो ये था बॉलीवुड जोक मुझे सिर्फ
आप लोगों का एंटरटेनमेंट, मैं जिंदा, बस अभी सेफ रहेंगे, कोई रिस्क नहीं लेंगे। मैंने और एक बॉलीवुड जोक सुनी 2019 24 मई एक मूवी रिलीज हुआ था पीएम नरेंद्र मोदी। व्हाट, ये बॉलीवुड जोक है? तो एक बॉलीवुड मूवी रिलीज हुआ था जिसका नाम था पीएम नरेंद्र मोदी। अब उसी दिन सेम डे और एक मूवी रिलीज हुआ था, किसी को पता है? सेम डे 24 में? नहीं नहीं नहीं, डिज्नी का अलादीन। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया मोदी जी के सामने कोई मुस्लिम खड़ा है और फुटफॉल्स यहाँ ज्यादा है। मैं भी क्या देखने, पीएम नरेंद्र मोदी। तो मल्टीप्लेक्स वाला बोलता है तीन लोगों में शौचालय नहीं करते, तो वहां से विवेक ओबेरॉय, संबित पात्रा दोनों डिसअपॉइंट होके चले गए। तो मैं गया देखने फिर अलादीन। अब अलादीन मूवी देखना शुरू किया, मूवी स्टार्ट हुई और मूवी के बीच में मुझे रियलाइज हुआ कि असली बायोपिक मोदी जी का तो ये है। अलादीन फकीर आदमी है और झोला लेके घूम रहा है। कालीन पे बैठ के इधर उधर इधर उधर। बहुत बढ़िया मूवी, बेहतरीन। आप लोगों ने अलादीन नहीं देखी मूवी? सबने देखी, कार्टून तो देखे होगा बचपन, राइट? अलादीन का एक तोता रहता है, पता है क्या नाम उसका? योगी, यागो। ओ सॉरी, इट्स यागो गाइस, इट्स यागो। मैं वो कंफ्यूज हो गया, तोता ऑरेंज कलर का है ना। तो अलादीन का बेसिक नरेशन सभी को पता है, अलादीन ब्यूटीफुल मूवी। जब भी अलादीन को अपनी कोई भी विश पूरी करनी होती है तो वो अम्मा चिराग घिसता है। चिराग में से जिन बाहर आता है और अलादीन को पूछता है कि क्या ख्वाहिश है तेरी, बता, तीन विश पूरी करूंगा, पहली विश बता। अलादीन बोलता है राजा। राजा दूसरी विश पूरी कर देता है। अब बात है थर्ड विश, थर्ड विश बची हुई अलादीन की और इट्स अ क्लाइमैक्स, ब्यूटीफुल सीन ऑफ द मूवी, मुझे बहुत पसंद है वो सीन। उसमें जिन जो है वो डूबते रहता है और अलादीन को जिन को बचाने के लिए किसान, सॉरी सॉरी सॉरी, अपनी लास्ट विश जो है वो सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो किसको बचा सके, जिन को। हाँ तुम लोग में कोई भी अगर अंबानी बोलता ना, मैं बोलता है उसको बचाने की जरूरत नहीं। तो ये था हॉलीवुड जोक। शो का लेवल बढ़ रहा, देख रहे हो कहां से शुरू किया था, हाथी चिट्टी, बॉलीवुड, अभी हॉलीवुड पहुंच गए। अभी हॉलीवुड से आगे, हॉलीवुड से आगे पता है क्या है? नहीं, हॉलीवुड से आगे है इंसेप्शन। इंसेप्शन मूवी देखी है सबने? इट्स बियॉन्ड हॉलीवुड, इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। तो ये जोक है इंसेप्शन जोक, ठीक है? तो मैं सो रहा था और मैं सपना देख रहा था, तो मेरे सपने में होम मिनिस्टर साहब आए। अपन थोड़ा खफा रहते ना, तो मैं सो गया, हट। मेरे को बोलते सुन तो ले, तो मैं आधार कार्ड दिया, मतलब जाओ यार सोने दो, सुबह जॉब पे आने गए, जॉब है ढूंढने आने गए। मैं क्या है बोलो? बोलते तुम मुस्लिम्स के साथ जो लिंचिंग हो रही है ना इंडिया में, मैं उसका सल्यूशन लेकर आया हूँ।
वापिस बोलो जरा, मेरे को सुन के यकीन नहीं हो। बोले ये क्या है, बोले क्या सोल्यूशन है, बोले जस्ट इमेजिन। मैं तुझे एक चीज बताता हूँ सोल्यूशन। तो मैं हाँ बोलो, इमेजिन कर रहा हूँ। आज से सभी मुसलमानों को सीने पे बम बांधना लीगल। बोले ये कैसा सोल्यूशन हुआ, बोले अब इमेजिन कर। मैं बोलो 40 लोग जब एक आदमी को मारने जाएंगे और वो आदमी का शर्ट के दो बटन खोल देगा तो 40 लोग की क्या कंठ फटेगी नहीं। वो जब उसको मारने जाएंगे कि मारो मारो इसके पेट में बीफ है मारो इसको, एक समझदार होगा ना बोलेगा सीने पे RDX है भागो। ऐसी फटेगी उन लोग खुद टिफिन से निकाल के खाएंगे, बोलेंगे अरे ये तो चिकन है। अरे अब्दुल्ला भाई, ओ अब्दुल्ला भाई ये तो चिकन है। बोले हाँ यहाँ पे चिकन है ना, लैब में जाएगा बीफ हो जाएगा। मैंने बोला आइडिया तो अच्छा है बट अच्छा तो बनाओगे, बोले वो भरोसा करना पड़ेगा, ये होगा मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। बोला अच्छा बनाओगे कि नहीं, बोले वो भरोसा करो, गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है लोग मरते, ये तो बम है। और बोले ये सिर्फ लिंचिंग का सोल्यूशन नहीं है, और 3 बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बोला क्या है, तो बोले फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, जो इंजीनियर्स को हम जॉब नहीं दे पाए उनको बम बनाने का काम है। मतलब समझ रहे हो, जो इंजीनियर सुसाइड कर रहे थे अब सुसाइड बम बना रहे। बोले दूसरा सुन, पाकिस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट, अशफाक आएगा ना ड्यूटी फ्री में बम लेने, 2 लक्ष्मी बम पार्सल कराची के मदरसा में फोड़ेंगे। बोला तीसरा, बोले वेमेन सेफ्टी। बोले ये होंगे स्मार्ट सुसाइड बम, बुरखे के अंदर इनबिल्ट। वो बोलते ना रजिया बुरखे में बम लग रही है, रजिया के बुरखे में बम है। अब रजिया गुंडों में फंसेगी, गुंडों की फटेगी। मैं बोला यार क्या बात है, मतलब तुमने तो मतलब 3 बड़े सोल्यूशन, मतलब एक चिड़िया से 3 पत्थर मार दिए। बट मैं आप लोग ऐसा क्या, मैं ऐसा उल्टा, ये टेनेट जोक था। अभी तुम लोग 3D में देख रहे हो कॉमेडी, तो मैं तो सुन के ही खुश हो गया। बोले होगा स्मार्ट सुसाइड बम, 24/7 अवेलेबल, फ्री डिलीवरी अमेज़न। अमेरिकन कंपनी से बेटर बॉम्ब डिलीवर कौन करेगा। आप सोच रहे हो भाईचारा कितना बढ़ जाएगा, स्मार्ट सुसाइड बम है ना, कोई भी बोलेगा गो टू पाकिस्तान एक्टिवेट। मैं तो सपने में ऐसा सोचने लगा यार ये तो अच्छा आदमी है। मैं सपने में सोच रहा हूँ कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये आदमी को अपन गलत समझते थे, ये तो अच्छा इंसान। मेरा हृदय परिवर्तन होने लगा कि मैं मुनव्वर से मनोहर कर लूँ। मैं इमेजिनेशन में चले गया कि आप देखो ना स्कूल में रोहन को नाखून टेक चेक कर PT टीचर, लेकिन रेहान को चेक करने बम स्क्वाड आ रही। रेहान ने बम नहीं बांधा, प्रिंसिपल कंप्लेंट कर रही। मिसेस खान कितनी रिस्पॉन्सिबल माँ हो आप, रेहान को बम बांध के नहीं भेजो। बोलते मैडम गर्मी होता है। ये कितना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बट जब कोई इतनी अच्छी चीज़ आप सुनते हो देखते हो तो आपको इसके डिसएडवांटेज भी दिखाई देते हैं। तो मैंने सवाल किया, मतलब व्हाट इफ लिंच करने वालों ने बम को डिफ्यूज करना सीख लिया तो। बोले ओ बेंचो पढ़े लिखे तुम लोग। बोलो, बोले मैंने इसका भी सोल्यूशन निकाल लिया है, हर बम के अंदर 2 तार होगी, एक होगी सैफरन कलर की और दूसरी होगी ग्रीन कलर की।
बोले देख सैफरन वाली तो लोग काटेंगे नहीं, और हरा कौन सा पहली बार कटेगा।